दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको BA LLB सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। आपने दोस्तों अगर यह 10 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए तो आने वाले समय में जब आपका एग्ज़ाम होगा इन्हीं 10 प्रश्नों से 5 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। सब्जेक्ट है आज का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि भारतीय संविधान प्रथम। इसमें आपको आर्टिकल 51A यानी कि मौलिक कर्तव्य तक पढ़ना है। एग्ज़ाम में जो पेपर पूछा जाता है वह 60 नंबर का पूछा जाता है और 10 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, 10 में से 5 ही आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 12 नंबर का और जो आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का। दोस्तों आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको 2 साल पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, निबंधों की समीक्षा करें जैसा भारतीय संविधान में प्रावधानित है, इसके अपवाद भी बताइए। दोस्तों यह पहला प्रश्न आर्टिकल 14 से पूछा गया था जो बात करता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता को दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको इस प्रश्न के आंसर में आर्टिकल 14 को लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है दूसरा, भारतीय संविधान की उद्देश्य का के विषय में विवरण दीजिए, यानी कि इसमें आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में लिखना था। इसके बाद तीसरा, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई धार्मिक स्वतंत्रता की विवेचना करें एवं इसकी सीमाओं की व्याख्या करें। इसके बाद चौथा पूछा गया लिंग पर आधारित भेदभाव के प्रतिषेध का वर्णन करें, नागरिक शब्द के अर्थ क्षेत्र व विस्तार के भारतीय संविधान की परिधि में स्पष्ट करें। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा करें, क्या इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, इस अधिकार के लागू करने में क्या क्या प्रतिबंध है। इसमें आपको मौलिक अधिकार का आर्टिकल 19 के बारे में लिखना था। इसके बाद अगला छठवां, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए, क्या मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कैसे छीना जा सकता है। इसके बाद सातवां प्रश्न पूछा गया मूल अधिकारों की घोषणा मात्र ही कोई महत्व नहीं रखती जब तक कि उनके परिवर्तन के लिए प्रभावकारी न्यायिक उपचार ना हो, टिप्पणी कीजिए इस संबंध में संविधान द्वारा प्रावधानित न्यायिक उपचार क्या है, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। इसके बाद आठवां पूछा गया भारतीय संविधान में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में उपबंधों का वर्णन करें एवं आपराधिक विधि में इसके अनुरूप तुलनात्मक प्रावधानों को स्पष्ट करें।
इसके बाद नौवां, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना करें एवं इसकी सीमाओं की व्याख्या करें। यानी कि नौवें क्वेश्चन में आपसे DPSP के बारे में पूछा गया था। आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद दसवां, भारत के संविधान में प्रावधानित मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको आर्टिकल 51 में जो 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं उनके बारे में लिखना था। दोस्तों, यही 10 क्वेश्चन BLLB सेकंड सेमेस्टर में पूछे गए थे और आगे यही क्वेश्चन पेपर से ही आपके पेपर में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।